हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस ज्योति। सो आज मैं आप लोग के साथ में ये लुक शेयर कर रही हूँ, रैम्बो हेलोविन लुक, एंड मैं इंस्पायर्ड हूँ जेम चेलियर्स से। एंड उन्होंने नीचे में वाइट पेंट किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ रैम्बो कलर सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से किया है। एंड आई होप आप लोग को ये लुक बहुत पसंद आया होगा। मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है आप लोग के साथ में शेयर करने के लिए। अगर आप लोग को इस तरीके के लुक पसंद है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा वो भी बताना। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। सो गाइस, चले अभी स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले यहाँ पर रोज़ हिप ऑयल मैंने अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से फेस को मॉइस्चर करने के लिए। एंड देन यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाए हैं ब्लू कलर का। सो यहाँ पर मैं जितना भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सारा लिंक के थ्रू आपको नीचे मिल जाएगा, लेंस का भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने मालियों का प्राइमर अप्लाई किया है फुल फेस पे। एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ हाफ फेस पे फाउंडेशन, जो कि है स्टे कोर्की का फाउंडेशन। एंड एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी कंसीलर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बस उसे ही मैं अप्लाई करके छोड़ दे रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मैंने बायोटिक का कॉम्पैक्ट लिया है, जहाँ पर मैंने अप्लाई किया है फाउंडेशन उसी को ही मैं सेट कर। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे एसएफआर कलर का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वाला वाइब्रेंट कलर है एंड बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये येलोई शेड मेरे इनर लिड्स पे। फर्स्ट मैंने क्रीज के ऊपर में ये येलो शेड लगाई है, एंड देन यहाँ पे मैं ऑरेंज शेड सेम उसी शेड के साइड में अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकती हो, बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मैंने ग्रीन शेड लिया है, उसे अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं हर एक कलर अलग अलग ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वही कलर मुझे एग्जैक्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ऑरेंजी शेड लेके मैंने इनर लीड्स पर लगा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड विंग की तरह मैं अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा ब्लूइश शेड एक पेंसिल ब्रश में लेके मैं मिडल लीड्स पे लगा रही हूँ, लोअर मिडल लीड्स पे। उसके बाद यहाँ पे एक येलोई शेड लिए हूँ, उससे मैं अपनी इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी एंड इनर लीड्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद सेम पैलेट से डार्कर शेड लेके मैं आईब्रो को भी फिलअप कर लूँगी। येलो कलर का ग्लिटर आईलाइनर लिया है, एंड एक स्पूली में लेके मैं उसी ग्लिटर को आईब्रो के ऊपर में मैं अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिखने के लिए। उसके बाद मीनाओ का वाइट काजल ले रही हूँ, एंड मैं वाटर लाइन पे लोअर वाटर लाइन पे सिर्फ मैं थिकर करके अप्लाई कर रही हूँ। वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है, एंड उसी हाइलाइटर से मैं अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी एंड अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एनवाबे का आईलाइनर, एंड इससे मैं एक विंग आईलाइनर अप्लाई करूँगी, आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा लाइन लॉन्ग रखूँगी। उसके बाद यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूँगी एंड देन फॉल्स लैशेस अप्लाई करूँगी। उसके बाद वाइट काजल लेके मैं अपनी नोज़ के, आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक लाइन गाइडलाइन बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ में ही फाउंडेशन अप्लाई करना है। सेम फाउंडेशन को मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो फाउंडेशन में मैं कंसीलर कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं सेम ऑयल अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन के ऊपर। उसके बाद अच्छी तरह से मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। सो यहाँ पे फाउंडेशन के ऊपर मैंने ऑयल क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि जो मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी वो अच्छी तरह से स्टे रहेगा एंड अच्छी तरह से वो कलर पॉप आउट होगा, तो इसीलिए। सो अभी मैं यहाँ पे कलर अप्लाई करूँगी, येलोई शेड इधर उधर सब जगह में लाइट लाइट करके अप्लाई करूँगी। ब्लू जो भी यहाँ पे आप देखेंगे सभी कलर में लाइट लाइट करके फुल अप्लाई करूँगी, मेरे नेक पार्ट तक ही अप्लाई करूँगी। उसके बाद मेरा जो वाइट लाइन है जहाँ पे मैंने गाइडलाइन किया था, वहीं पर थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके मैं शेड आउट करूँगी, थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने के लिए। Thank you.
सो लास्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंटूरिंग कर लूँगी अपनी चिक्स को एंड नोज को। एंड मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगाना मैं भूल गई, इस लुक में मैंने हाइलाइटर लगाना सच में भूल गई। सो यहाँ पे एक मैंने फाउंडेशन लिया है जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये वाला फाउंडेशन। एंड ये फाउंडेशन को मैं ड्रॉप की तरह, जैसे कि ड्रॉप नीचे गिर रहा है उस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि लगे वहाँ से फाउंडेशन नीचे गिर रहा है। कुछ इसी तरह से मैं जो लाइन है उसी लाइन में मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं ड्रॉप फॉर्म में इस तरीके से मैं कर लूँगी और अच्छी तरह से मैं ब्लेंड करते हुए करूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, स्मॉलर फ्लैट ब्रश। तो यहाँ पे नीचे भी गिर गया थोड़ा बहुत। सो गाइस, इसी तरीके से मैंने इस मेकअप लुक को कम्प्लीट किया है। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा ये मेकअप लुक टर्न आउट करने में। एंड बहुत ही ईजिली मैंने इस लुक को क्रिएट किया है, तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। कॉमेंट गाइस ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा।